नई सीरीज आ रही है रेडी टू मिंगल, तो सबसे पहले उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हाउ एक्साइटेड लाइक गाइस फॉर? वेरी एक्साइटेड. नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज एंड it's a very completely different perspective to you know to relationships that you've seen in most shows. maine zyadatar jo shows dekhe hain wo you know zyadatar waise hote hain ki how accommodating you are or how loving you are towards your spouse or your girlfriend or your boyfriend, and they're usually about you know how everything normalizes and how you're normally running your life and chote chote problems aate hain. But इन अ रिलेशनशिप, जो आज की रिलेशनशिप है, आई डोंट थिंक उसमें कुछ नॉर्मल होता है. सब लोग बहुत एक्सट्रीम हैं, लड़कियां भी उतनी एक्सट्रीम हैं और लड़के भी उतने एक्सट्रीम हैं. एंड आई थिंक दोनों को यू नो इक्वल चीज़ें चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. फ्रीडम दोनों को चाहिए. कोई नहीं चाहता कि एक दूसरे पर मतलब कोई यू नो रोक टोक हो या कोई किससे सवाल जवाब करे. सो आई थिंक ये बहुत आज का शो है और ये बहुत आज की कम्युनिकेशन करता है. एंड आई थिंक दिस शो हैज़ मेड मी थिंक अ लॉट अबाउट हाउ आई एम एज एन इंडिविजुअल एंड हाउ आई वुड बी एज एन इंडिविजुअल इन यू नो इन अ रिलेशनशिप. सो या, दैट वुड बी माई टेक ऑन इट. आप अपने कैरेक्टर के बारे में? हाँ, सो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है नीरव छावड़ा. मुझे बहुत पसंद है ये सरनेम. मैंने शो में भी बहुत ऐसा स्वाद ले लेके बोला है जब भी मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. My mom was very happy kare aur a Punjabi boy you're playing. So and she's playing Myra Malik. So Nirav aur Myra milte hain, pyar hota hai, bada acha 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 sundar sundar log mile hain. Shuru shuru mein attraction hai, they grow into a relationship, then they start living together, then they start a business together. So on the surface to sab perfect hai, matlab it's like a perfect love story. बट असली कहानी जो रेडी टू मिंगल की है वो वहीं से शुरू होती है कि मिंगलिंग हो चुकी है, अब वो दूसरे लोगों को मिंगल करा रहे हैं, बट उनकी खुद की लाइफ में कितना स्पार्क है या नहीं है आता जाता है. क्योंकि आई थिंक एक पॉइंट के बाद लाइक शी सेड रिलेशनशिप्स दीज डेज बिकम रियली कॉम्प्लिकेटेड. तो बहुत स्किज़ोफ्रेनिया भी है उसमें कि रात को लड़ाई होती है, फिर सुबह ठीक हो जाता है, फिर दिन में कुछ बहस होती है, फिर शाम को बात नहीं होती. तो ये इस चीज़ इस तरह की लाइफ हम सब ने देखी है, इस तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस की है, बट शायद कैप्चर नहीं की हैं, शायद इस तरीके से नहीं लिखी गई है. तो आई थिंक द यूनिक थिंग अबाउट दिस शो रेडी टू मिंगल इज़ कि इसमें ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है रिलेशनशिप्स का, इसको कैप्चर किया गया है कि वो अभी लड़ लेते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बिजनेस भी चल रहा है तो काम की बात हो जाती है, फिर याद आता है कि नहीं हमारी तो लड़ाई चल रही है. तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि ये एक यूनिक चीज़ है जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा. जो कई बार पढ़ने में करने में आपको डर लगता है कि यार ये अजीब तो नहीं लगेगा, बट क्योंकि ये सच है, शायद हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, तो हम सब इसको ऑनेस्टली एटलीस्ट करते हुए हम ऑनेस्टली कर रहे हैं, हम रिलेट कर पाते हैं. सो आई एम प्रीटी श्योर एंड होपफुल कि जब लोग देखेंगे तो वो भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये हमारे साथ भी होता है कि हम लड़ते हैं, फिर आधे घंटे में कोई काम की बात होती है तो कर लेते हैं, फिर याद आता है कि यार लड़ाई चल रही है, नहीं अभी तुम बात मत करो मुझसे. तो ये यही अप्स एंड डाउन्स की कहानी है रेडी टू मिंगल बिटवीन दीज टू कैरेक्टर्स. एंड देन देर आर अदर टू कैरेक्टर्स हु आर एडिंग टू द कॉम्प्लिकेशन. आजकल बहुत सारी वेब सीरीज आ रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उससे कितना अलग होगा और मतलब कंपटीशन काफ़ी है? सो बेसिकली आई थिंक यू नो आई थिंक राइट नाउ दिस इज सच अ गुड टाइम फॉर सीरीज, और इतने अच्छी अच्छी सीरीज बन रही हैं. एंड मैंने सबसे पहले आई थिंक अमोल और सौरभ सबको मैसेज करके ये बोला, मैंने कहा कि यार इस लिस्ट में तो मतलब जितनी सीरीज हैं मुझे सारी देखनी है. And somewhere I mean I know I shouldn't be saying this because I also do films, but मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सीरीज़ में ज़्यादा अच्छी स्टोरीज आती हैं compared to what we see in films, you know, because sometimes आपको मन नहीं करता कि आप थिएटर में जाके वही घिसी पिटी लव स्टोरी या वही वाली स्टोरी देखें जो आप सदियों से देखे आ रहे हैं. बट एक इंटरेस्टिंग एक मिलेनियल पर्सपेक्टिव मिलता है आपको सीरीज़ में. जो हम लोग जैसे बातें करते हैं वैसे बातें करते हैं कैरेक्टर्स, लाइक जिस तरह मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ उस तरह शायद कोई कैरेक्टर एक दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा होता है, या हमारे फ्रेंड्स जैसे एक दूसरे से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करते हैं, तो वैसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रियल स्पेस एंड इट्स अ रियली गुड टाइम फॉर सीरीज राइट नाउ. एंड आई थिंक मुझे बाकी एक्टर्स देखने को मिलते हैं. फिल्मों में हम लोग खैर एक दो ही एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देखने को मिलता है, बट हियर आई एम गेटिंग टू सी सो मच मोर टैलेंट, आई एम गेटिंग टू सी सो मेनी मोर एक्टर्स. मैं उनकी यू नो आई कैन पिक अप सो मच फ्रॉम देयर न्यूआंसेस. तो बिकॉज आई थिंक फॉर एन एक्टर आप देखने से ही कुछ सीखते हैं. सो आप एक दूसरे को अगर आप देखेंगे नहीं देन वॉट विल यू लर्न. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्टर्स एंड आई एम सो ग्लैड कि थ्रू सीरीज आई एम गेटिंग टू सी सम फैंटास्टिक एक्टर्स. ओके, रेडी टू मिंगल लुक्स सो रेलेवेंट टू टुडेज टाइम्स. व्हाट डू यू थिंक मेक रिलेशनशिप सो मेस्ड अप दीज डेज? आर कपल्स जस्ट गेटिंग बोर्ड ऑफ ईच अदर टू सून? नहीं, आई थिंक रिलेशनशिप्स जब भी दो इंसान कहीं भी मिलते हैं काम के लिए,
प्यार के लिए आई थिंक एक कॉम्प्लिकेशन हमेशा होता है, कभी भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता है कि दो लोग या तीन लोग मिले और सब कुछ परफेक्ट गया, सबने एक दूसरे की बात मानी, जो शायद ज़्यादा प्यार में होता है बिकॉज आप चीज़ें बहुत एक्सपेक्ट करते हो, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वो ज़्यादा आपको इमोशनली चीज़ें अफेक्ट करती हैं. तो आई थिंक अप्स एंड डाउन्स हमेशा से रहे हैं. अब क्या हो गया है कि अब शायद विद टेक्नोलॉजी, विद इवन सोशल फैक्टर्स, विद पीपल इवन, उनके आइडियाज़ भी चेंज हुए हैं कि यार अभी होता है अगर वर्क नहीं कर रहा है तो हम आई हैव एन ऑप्शन टू ऑप्ट आउट. टॉलरेंस इज व्हाट इज लाइक टॉलरेंस वो चली गई है. बट हाँ, वो उसका पॉजिटिव भी है शायद. पहले लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी रहते थे कि यार हम मैं क्या, अब तो शादी हो गई या कुछ रिलेशनशिप हो गया, अब तो चार साल हो गए तो चलो अब निकाल ही लेते हैं. सो वो एटलीस्ट नहीं करना पड़ रहा है. उसका पॉजिटिव ये है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी है, लेट्स से आफ्टर 4-5 years, 2 years, इवन 10 years, सो दे हैव एन ऑप्शन, दे फील कॉन्फिडेंट इनफ कि यार मैं आई कैन टेक अ कॉल अबाउट माई ओन लाइफ एंड आई कैन गो आउट एंड एक्सप्लोर अदर पीपल और अदर थिंग्स. तो उसका पॉजिटिव है. उसका नेगेटिव ये भी है कि अगर ये ऑप्शन दिख जाता है कई बार तो वो ऑप्शन ही आपको लियोर करता रहता है, यार मैं क्यों, थोड़ी सी भी आपको परेशानी हुई तो आपको लगता है कि यार ये क्या मैं परेशानी ले रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं छोड़ता हूँ इसको, अभी तो और ऑप्शंस हैं लाइफ में और अब सब लोग कनेक्टेड भी हैं और फेसबुक है और सारा सोशल मीडिया है, आपको नए नए लोग मिलते रहते हैं. तो हाँ, एंड प्लेटफॉर्म्स हु आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर दिस ओनली कि यार नए लोगों से आप मिलो. करेक्ट. तो एक वो पॉजिटिव भी है उस चीज़ का, एक और नेगेटिव ये है कि शायद आपका जो लाइक शी सेड टॉलरेंस लेवल या आपका जो लाइन है जो आपने रेखा खींची हुई है वो थोड़ी सी और पास आ गई है. देखो इतना भी क्रॉस हुआ ना मैं निकल जाऊंगा. अमोल, व्हाट वुड यू डू इफ योर गर्ल वॉक्ड अप टू यू एंड कन्फेस्ड दैट शी किस्ड समवन व्हाइल शी वाज इन हाई स्पिरिट्स बट इज रियली गिल्टी अबाउट द सेम? काफी डिजाइंड क्वेश्चन है. इन हाई स्पिरिट्स शी वॉज इन हाई स्पिरिट, यार क्या कर सकते हैं. मैं थोड़े से मेरे भी आइडियाज़ ऑफ लव एंड रिलेशनशिप आई थिंक हम सबके इवॉल्व होते हैं विद टाइम. मेरे भी इवॉल्व हुए हैं, मैं भी समय के साथ कैचअप करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो थियोरेटिकली तो मेरा मानना ये है कि यार आप पता नहीं आप क्या नाराज़ होकर क्या मिल जाएगा आपको. इफ़ इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो यू कम्युनिकेट एंड इफ़ यू फील कि यार सामने वाला इज़ ऑनेस्ट अबाउट इवन सेइंग कि मुझे गिल्टी फील हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल दिया कि किस भी कर लिया और बोल भी दिया गिल्टी फील हुआ. एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग दैट आई थिंक आई डोंट नो लाइक आई थियोरेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई स्टिल लव दैट पर्सन एंड आई स्टिल फील द लव फ्रॉम दैट पर्सन, इट इज मैं ये नहीं बोलना चाहता बट छोटी चीज है. Shit, don't give that option. Don't give that option. हाँ, मतलब बोलने में आई नो कि बोलने में आसान होता है, कई बार करने में आपको वो जो प्रैक्टिस करने आप जाते हैं उन चीज़ों को तो थोड़ा सा आपको इमोशनली लगता है कि बोल तो दिया था मैंने कि छोटी चीज़ है लेकिन क्या ये है. बट एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि दैट इमोशन बिटवीन टू पीपल इज स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रे इंसिडेंट्स. सो दिस इज फॉर बोथ योर मंत्रा फॉर अ पीसफुल रिलेशनशिप. कम्युनिकेट. आई थिंक इट्स जस्ट कॉन्वर्सेशंस. आई थिंक पीपल डोंट टॉक. हम लोग गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं. हम लोग की नाक पे और दिमाग में सिर्फ गुस्सा रहता है. आई थिंक वो सबके साथ होता है. जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गुस्सा होते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुस्सा होते हैं, तो सबसे पहले आपको मतलब सुनना ही नहीं है कि उसको क्या कहना है. एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. सबको चिल्लाना है. सो आई थिंक इफ़ यू कैन जस्ट काम डाउन और एक बंदा चुप हो सकता है थोड़ी देर के लिए एंड लेट द अदर पर्सन बी क्वाइट, आई मीन तो आई थिंक वो थोड़ी शांति बनी रहती है. और उसके बाद आप थोड़े मिनटों के बाद या एक दो घंटे के बाद अगर आप बातें करें तो मुझे लगता है आप चीज़ें सुलझा सकते हैं. आई थिंक सिमिलर चीज़ है पर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आई बिलीव इज़ अ बिग थिंग. बिकॉज आप कितना भी गुस्सा हो सकते हैं, आप कितना भी नाराज़ हो सकते हैं, इन अ मोमेंट शायद आप कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ बोल सकते हैं, बट वो रिस्पेक्ट जो आप की है अगर वो नहीं बनी रही है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम है. बिकॉज फिर सामने वाला चाहे वो आप हैं या आपके साथ आपका पार्टनर है, अगर वो रिस्पेक्ट फील नहीं कर रहा है तो वो शायद नहीं समझ पाएगा कि ये रिस्पेक्ट की बात है. लेकिन वो जिस तरह से फील करेगा वो एक प्रॉब्लम है. वो मुझे लगता है कि मैंने अपने आसपास देखा कि आफ्टर अ पॉइंट एक वो रिस्पेक्ट या तो चला जाता है या आप पता नहीं फॉर सम रीज़न आप शो नहीं करते हो तो या पार्टनर फील्स अ सर्टन वे और वो चीज़ जो है धीरे धीरे वो एक ऐसा मशरूम फैलता है और फिर उसका बम फटता है कभी ना कभी जाके वो एक साल में, दो साल में, तीन साल में. तो आई थिंक म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ. कि आप कितने भी नाराज़ हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, कैसी भी कई बार कैसी भी ओछी बात निकल जाए मुंह से, लेकिन यू हैव टू गेट बैक टू द फैक्ट दैट यू स्टिल रिस्पेक्ट ईच अदर. आहाना, विच बॉलीवुड एक्टर कैरेक्टर डू यू रिलेट व्हेन इट कम्स टू बीइंग द आइडियल बॉयफ्रेंड और लवर बॉय? सॉरी, बॉलीवुड कैरेक्टर कौन आइडियल लवर बॉय कैरेक्टर? रॉकस्टार ही है यार.
Ranveer. No, I think he's quite like, yeah, he was quite ideal for me. I mean, that character stayed with me, Ranveer from Rockstar. That character stayed with me for a very long time. And I think, वैसे होते नहीं आजकल के लड़के, but ठीक है. Okay. If you guys had to be the matchmaker for the following celebs in Bollywood, who would you set them up with? Shraddha Kapoor. मेरा एक दोस्त है कॉलेज का. बहुत स्वीट है. बहुत उसको पसंद भी है श्रद्धा कपूर. चलो हो गई श्रद्धा की सेटिंग होगी. नाम श्रद्धा की भी मतलब एक बार मिलाएंगे फिर देखेंगे उन लोगों की केमिस्ट्री कैसे बन रही है. बताओ तो श्रद्धा को. नहीं नहीं बेचारा वो कहीं ब्लश करेगा कहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा. उसकी तो हो गई ना शादी. हो गई पता नहीं. शादी नहीं हुई क्या पता नहीं. सिद्धार्थ मल्होत्रा. अच्छा हमको एक्ट्रेस ही बतानी है. एक्ट्रेस ही तो बतानी है. सिद्धार्थ मल्होत्रा तो उन्होंने बताया. सिद्धार्थ मल्होत्रा को किसके साथ करेंगे. उसके तो ऑप्शंस भी नहीं है. तुम्हारी दोस्त है कोई? नहीं यार मेरे कोई दोस्त उसमें इंटरेस्टेड नहीं है. वो थोड़ा बोरिंग टाइप का है ना. मेरी दोस्त थोड़ी एक्साइटिंग है. नहीं सॉरी सिद्धार्थ मल्होत्रा को किसके साथ करेंगे यार. मैच मेकिंग. वी आर डेफिनेटली नॉट गुड एट दिस. ओके आलिया. अभी क्या बोले. नहीं यार आलिया तो रणवीर है. अभी जवाब तो दे. अभी कुछ जवाब देना है यार कुछ. दैट्स एन एक्स गर्लफ्रेंड. यू कांट टेक एक्स गर्लफ्रेंड्स का नेम्स. सिद्धार्थ मल्होत्रा को परिणीति चोपड़ा के साथ कर देंगे. ओके आई थिंक इट्स फर. प्रियंका चोपड़ा. उसको तो मिल गया ना निक जोनस. अब और कितने बस अभी. रणबीर कपूर. हाँ रणबीर कपूर. अरे ये सब के हैं यार. आलिया भट्ट है. अब आपके हिसाब से इफ यू वांट टू सेट देम अप. मेरी तरफ से आई थिंक रणबीर कपूर वुड लुक फैंटास्टिक विद अनुष्का शर्मा बट नाउ शी इज मैरिड सो व्हाट टू डू. ओके वरुण धवन. फिर काम उनको मिलाने का मेरा है. तो यही कर रहे हैं अभी. वरुण धवन. बनीता सांधु. सुशांत सिंह राजपूत. वो कृति सैनन ठीक है उसके लिए. एंड आलिया भट्ट. आलिया भट्ट वुड एक्चुअली. रणबीर इज परफेक्ट फॉर आलिया. आई थिंक दे बोथ फिट परफेक्टली इन टर्म्स ऑफ करियर्स एंड सेंस सेंसिबिलिटीज. Okay, last question. Like, what is your relationship status? Single, ready to mingle, or committed? Us, we are mingling. Single or ready to mingle, alag-alag option. Haan. Yes, yes. Single, ready to mingle, or committed. We are single, ready to mingle, na? Okay. Single. Ready to mingle मतलब half ready. Ready to mingle मतलब half ready. मतलब उतना ready मतलब कि हाँ कि उतना नहीं है. He's not ready. I'm not ready. Yeah, but single.